हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग? आई हो अच्छे हो गए। तो हम यहाँ पर उठ गए हैं, सुबह नहा भी लिया है मैंने, और अब हम बनाएंगे नाश्ते के लिए दलिया। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने दलिया चढ़ा दिया और मेरी दलिया यहाँ पर पक रही है, देख सकते हो आप, ये पक रही है, ये पक जाएगी, उसके बाद हम खाएंगे, फिर उसके बाद में हम खाना वाना बनाएंगे। तो देखो हम क्या बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने सोचा तलोई की सब्ज़ी और रोटी और चावल बना लेते हैं। तो यहाँ मैं तलोई काट रही हूँ, फिर इसको कट करके। तो फ्रेंड, तरोई काटने के बाद हम जाएंगे किचन में और फिर तरोई की सब्ज़ी बनाएंगे। तो चलो चलते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे यहाँ तरोई की सब्ज़ी कट गई है, देख सकते हो आप। तो आप लोग बताना आप लोग कैसे तरोई काट करते हो, हम तो ऐसे ही गोल गोल काटते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्याज हरी मिर्च काट लिया है और मैं इसको तेल में डाल दिया है। जब तक पकेगी हम फिर मसाला निकाल लेते हैं। तो मैंने सारे मसाले निकाल लिए हैं और इसको अब हम गीला करके पेस्ट बना लेंगे। तो फ्रेंड, जब तक के हम इसको गीला करें तब तक कि उधर प्याज और मेरा हरी मिर्च भी पक जाएगी। तो मैंने यहाँ पे मसाले गीले कर लिए हैं और यहाँ पे मेरा प्याज और मिर्ची भी पक गई है, देख सकते हो आप, ब्राउन हो गया है। तो अब हम इसमें मसाले डाल देंगे सारे। तो मैंने यहाँ पे सारे मसाले डाल दिए, अब इनको भी अच्छे से हम पकाएँगे। तो फ्रेंड्स, इनको भी हम अच्छे से पका लेते हैं, फिर उसके बाद में इसमें हम टमाटर डालेंगे। तो ये मैंने टमाटर ले लिया और इसको भी अब कट कर लेते हैं, क्योंकि मेरा मसाला तो पक गया है, देख सकते हो आप लोग। तो मैंने यहाँ पे टमाटर भी डाल दिया है और अब हम टमाटर भी पकाएंगे। तो इनको हम अच्छे से चलाएँगे और टमाटर पकाएँगे। तो फिर मैं यहाँ पर नमक भी डाल दूँगी, नमक से टमाटर जल्दी पक जाता है, क्योंकि ये नमक जब डाल दो तो टमाटर और जल्दी गल जाता है, ऐसे बहुत टाइम लगता है। देख सकते हो मेरा टमाटर बिल्कुल गल गया है, बिल्कुल मसाले में मिक्स हो गया है टमाटर। और अब इसमें सब्ज़ी डाल देंगे तरोई और इसको अच्छे से चलाएंगे। तो फ्रेंड्स, बताइए आप लोग किस किस को तरोई की सब्ज़ी और चावल पसंद है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है तरोई की सब्ज़ी चावल। जब तरोई बनती है तो हम सब्ज़ी चावल ही खाते हैं, रोटी नहीं खाते हैं। तो फिर यहाँ पर हम इसको सब्ज़ी को फ्राई कर लेंगे थोड़ी देर और फिर इसमें हम पानी डाल के ढक देंगे। पानी इसमें नहीं डालेंगे, ये बिना पानी के ऐसे ही पक जाती है और टेस्टी भी बनती है। पानी डाल दो तो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। तो इसको थोड़ी देर चलाएंगे, चलाने के बाद हम इसको फिर ढक देंगे और फिर ये धीरे धीरे स्लो कर देंगे गैस, अपने आप पक जाएगी। तो मैंने इसको यहाँ पर बंद कर दिया है और ये पक जाएगी, देख सकते हो गैस मेरी स्लो है। तो फ्रेंड्स, खाना बनाते बनाते मुझे इतना पसीना निकल आया, इतनी गर्मी हो रही है, क्या बताएं। गर्मियों के दिन में खाना बनाने में बहुत दिक्कत होती है। तो देख सकते हो मेरे फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी सब्ज़ी पक रही है और मेरी दलिया भी पक गई, मैंने खा भी लिया है। और यहाँ पे मैंने ये चावल निकाल लिया है और अब हम चावल बनाएंगे। तो चलो हम चावल धुल लेते हैं कुकर में डालकर। तो मैंने यहाँ पे चावल धुलकर चढ़ा दिया है और इसको अब हम बंद कर देंगे और इसको भी पकने के लिए छोड़ देंगे, तो ये भी पक जाएगा। तो मैंने गैस भी जला दी और इसको भी मैंने बंद कर दिया है और तब तक कि ये पक जाएगा। इधर मेरी सब्ज़ी पक रही है। तो फ्रेंड, देख सकते हो बिना पानी डाले इसमें कितना पानी छूट गया है, और ये अभी पकी तो नहीं है लेकिन पकने वाली है। तो मेरे दोनों दाल सब्ज़ी और चावल दोनों पक रहा है। हम यहाँ पे आटा भी सान लेते हैं तब तक के रोटियों के लिए। मैं नहीं रोटी खाऊंगी लेकिन और घर पे तो सब रोटी खाएंगे, तो रोटी तो बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ आटा भी सान लिया है और अब हम रोटी बनाएंगे। तो ये देख सकते हो फ्रेंड, मेरे चावल भी पक गए और ये मेरी सब्ज़ी भी पक गई है, बिल्कुल टेस्टी टेस्टी बनी हुई है, बिल्कुल पक गई है सब्ज़ी भी मेरी और चावल भी पक गए। यहाँ पर हमको रोटी बनानी है और उसके बाद में हम लोग खाना वाना खाएंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा सब्जी रोटी और ये सब पक गया है। तो यहाँ हम देखो आ गए हैं, अब रोटी बनानी है। बस मुझे गर्मी बहुत होती है ना, तो थोड़ा हम रेस्ट कर लेते हैं फिर उसके बाद काम करते हैं। तो अब हम यहाँ पे रोटियाँ बनाएंगे बस। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, रोटी बना लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब किया कर, बहुत मेहनत लगती है। बाहर आकर मैं रोटी खा लेती हूँ, फिर मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने सारा काम वाम कर लिया था और खाना भी खा लिया था दोपहर में।
हमारा मन हुआ माजा पीने का, तो फिर मैंने भाई से माजा मंगवाया। फिर हम तीन ग्लास में माजा डाल रहे हैं, एक भाई के लिए, एक मेरे लिए, एक मेरी सिस्टर उनके लिए। तो यहाँ पर हमने माजा निकाल लिया है और अब हम चलते हैं भाई को देने। तो मैं यहाँ जा रही हूँ एक ग्लास भाई को माजा देने, जो कि उस रूम में लेटा हुआ है। आपको दिखाएंगे, ये यहाँ पर लेटा हुआ है, उसको मैंने देकर हम वापस आ गए। और अब मैं और दीदी यहाँ पर माजा पियेंगे। तो चलो फ्रेंड्स पी लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे भाई का रात में बर्थडे था और मैं भूल ही गई, इसके दोस्त जब केक ले कर रहे बाहर केक कट करने, तब हम लोगों को याद आया कि आज तो इसका बर्थडे है। तो फिर हम लोगों ने छत पर से इनका वीडियो बनाया। तो इसके दोस्त वगैरह आ गए थे केक लेकर, इसने भी हम लोगों को नहीं बताया, बस केक कट करने पहुँच गया। तो फिर हम लोग गए छत पर, तो हम लोगों ने देखा ये केक कट कर रहा है। तो फिर हमने सोचा चलो आप लोगों के लिए व्लॉग भी बना लेते हैं। तो यहाँ केक कट हो गया और ये सब एक दूसरे को खिला रहे हैं केक और थोड़ा मस्ती वस्ती कर रहे हैं। और हम लोगों को बुलाया ही नहीं, अकेले अकेले भाई ने केक काट लिया। तो आप लोग बताइए, आप लोगों के भाई भी ऐसे ही अकेले ही वीडियो बना केक काट लेते हैं या फिर सबके साथ काटते हैं? मेरा भाई तो एक बाहर अपने दोस्तों के साथ ही केक कट कर लेता है, बाद में अंदर ला कर दे देता है और हम लोग खा लेते हैं। तो फिर यहाँ पर भाई अंदर केक ले आया था, तो हम और मेरी दीदी खाने के लिए बैठ गए थे। तो फ्रेंड हम खाएंगे एक उसका रोज देखो खा लिया मैंने, मेरा बहुत मन था केक खाने का, चम्मच निकाल के खा लिया। रात के बज रहे थे एक और हम लोग केक खा रहे थे। तो फिर हम लोगों ने सोचा चलो कटोरी में केक निकाल लेते हैं और खा लेते हैं। तो फिर हमने और दीदी ने कटोरी में केक निकाल लिया, देख सकते हो दीदी का केक और ये मेरी कटोरी में केक। तो आप लोग भी खा लीजिए, हम आपको भी दे रहे हैं, अकेले अकेले हम कुछ नहीं खाते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे, मेरा ब्लॉग अच्छा लगे, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना प्लीज़। फिर मेहनत और लगती सब